हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे यूपीएससी की तैयारी में वो कौन सा पांच काम जो अक्सर बच्चे कर जाते हैं जिसके वजह से उनका प्रीलिम्स भी रुक जाता है। सब सिलेक्शन तो दूर की बात है और प्रीलिम्स का रुकना अपने आप में ये है गलती कि ये सेल्फ सुसाइड से कम नहीं होता। तो आखिर वो पांच वजह है क्या, तो इस छोटे से सेशन में मैं उसी बात को बताऊंगा और ये गलती आप लोग भी जानबूझकर नहीं करते हो पर अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, इस गलती को हमें दोहराना नहीं। पहला, प्रीवियस ये पेपर है उसका प्रैक्टिस नहीं करना सबसे बड़ी गलती कि विगत पिछले वर्ष के पेपर को आप प्रैक्टिस नहीं किए हो और आपने सारा तैयारी कर लिया तो सिलेक्शन का क्या संभावना दिख रहा है। सिलेक्शन का संभावना तो हम पहले समाप्त हो जाते हैं क्योंकि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे अब तक, और पेपर को जो देखते भी हैं तो बच्चे सबसे आखिरी समय में देखते हैं ये स्ट्रीम में, तो आपने पढ़ा किसी और पैटर्न से और एग्जाम दिया किसी और पैटर्न से, इसलिए चाहे वो प्री हो चाहे वो मेन हो या इंटरव्यू या कोई भी एग्जाम का तैयारी अगर आप करते हो, सिर्फ यूपीएससी की बात अगर हम नहीं कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसको पहले देखना जरूरी है। और पेपर देखने में भी एक वहां भी गलती होती कि जब आप कोई क्वेश्चन बैंक लेते हो तो उस क्वेश्चन बैंक में जो गलती क्या करते हैं, अक्सर जो क्वेश्चन बैंक 25 साल का 30 साल का 20 साल का ऐसे आता है और बच्चे क्या करते हैं उसको, अगर मान लो मैं कहूँ कि 2000 से 2022 का क्वेश्चन कोई बैंक है तो आप सबसे पहले क्या करते हो, या तो 2022 देखते हो या तो 2000 देखते हो। तो अगर आपने 2000 के अगर सीजन स्टार्ट किया तो 2000 के बाद 2001 का प्रैक्टिस करोगे, फिर 2002 के प्रैक्टिस करोगे, फिर 3 का करोगे, तो माइंड में क्या आ रहा है, हो सकता है 4-5 साल करने के बाद आप नहीं भी करो पूरा, तो माइंड में आपको आ रहा है आज से 20 साल पहले का क्वेश्चन का लेवल और पैटर्न, और उस पैटर्न से आज के एग्जाम का कोई लेना देना नहीं, और इसलिए भी तैयारी में सही अप्रोच अगर नहीं है तो तय बात है कि सिलेक्शन में समस्या होगा ही होगा। इसलिए पहला गलती ये था इसे नहीं करना। अब मैं बात करूंगा दूसरी गलती का। कई सारे बच्चे या मेजोरिटी ऑफ बच्चे अपने कैरियर को निश्चितता देने के लिए एक बार में कई सारे एग्जाम का तैयारी वो करने लगते हैं, और कई सारे एग्जाम का तैयारी जब आप कभी एक बार में करते हो तो तय बात है असफलता का नींव आपने वहीं पे गाड़ दिया है, वो सफलता का नींव तो पड़ने ही नहीं दिया, बीज अंकुरण होने ही नहीं दिया, भ्रूण हत्या वहीं पे हो गया। इसलिए ऐसे भ्रूण हत्या से भी हमें बचने की जरूरत है और ये गलती भी हमें नहीं करना है। एक बार में एक ही एग्जाम की तैयारी करना है, चाहे आप यूपीएससी के लायक हो तो यूपीएससी की तैयारी करो, या तो अपने आप उस लायक बना लो या तो पीसीएस दे रहे हो या कोई और एग्जाम दे तो उस एग्जाम को दो, लेकिन एक तैयारी के नाम पर यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी करो या पीसीएस की तैयारी करो और कई सारे कंपटीशन में भाग लेना ये भी बड़ी गलती होती है। ये कहीं ना कहीं आपके जो दृढ़ निश्चितता है आपका जो आपका संकल्प शक्ति है उसको कमजोर बनाता है, ये तो हमें इससे बचना है। तीसरी जो गलती है, मोबाइल के युग में मोबाइल से तो कोई छुटकारा नहीं सकता है लेकिन मोबाइल माइनिया हो जाए ठीक है और या सोशल एरिया हो जाए तो ये दोनों स्थिति ठीक नहीं है। मतलब आप जरूरत से ज्यादा अगर आप सोशल हो तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा समस्या है, जरूरत से ज्यादा सोशल नहीं होना है, हमें ये गलती भी नहीं करना है। क्योंकि होता ये है कि आप जब एग्जाम दूर होता है तो आप सोशल वर्क में अपने ज्यादा समय को खराब कर देते हो, और जब एग्जाम पास आ जाता है तो सब कुछ पढ़ने के चक्कर में क्या होता है, जो पढ़ना भी चाहिए आप उतना भी नहीं पढ़ पाते, तो महत्वपूर्ण छूट जाता है। तो इसलिए ये घबराहट की तैयारी यूपीएससी नहीं है, यहाँ पे प्लान वे में आपको तैयारी करना पड़ेगा अगर सिलेक्शन आप चाहते हो तो। चौथा बात, बच्चे चूंकि नए होते हैं उत्साह में होते हैं और उत्साह में जाकर के जो अति उत्साहित हो जाते हैं कभी कभी उसमें भी कुछ गलतियां वो कर बैठते हैं और इसका उन्हें पता भी नहीं होता है
और वो गलती क्या है, अपने सिलेबस के साथ जो भी एग्जाम की तैयारी करते हो उस सिलेबस के साथ आप स्टिक नहीं होते हो, बल्कि आप कई सारे मैगजीन्स, न्यूज़पेपर और खुद को अपडेट रखने के चक्कर में सारा फोकस आप करंट अफेयर पे देते हो और उन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते हो जिससे सिलेक्शन होता है, यूपीएससी के एग्जाम या कोई भी एग्जाम भारत में जो हो रही है। अब सभी एग्जाम में चीज तो कॉमन देख ही रहे होंगे, और वो कॉमन क्या है, अगर किसी एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, तो तय बात है उस 100 में से 70 क्वेश्चन तो कन्वेंशनल टॉपिक पे होंगे, चाहे वो हिस्ट्री से हो, ज्योग्राफी से हो, पॉलिटिक्स से हो, इकोनॉमी से हो, साइंस से हो, एनवायरमेंट से हो, इस सारे के सारे जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन कहां से होगा, वो कन्वेंशनल टॉपिक से होगा, बुक से आएगा। केवल 30% क्वेश्चंस करेंट का आएगा, लेकिन तैयारी में आप अपने अपना 70% टाइम करंट को दे दिया है और 30% टाइम कन्वेंशनल को दिया है, और ये अपने आप में सबसे बड़ा मिस्टेक है जो बच्चे अक्सर कर जाते हैं, क्योंकि करंट एग्जाम टू एग्जाम बदल जाता है, आईएएस का कुछ होगा, पीसीएस का कुछ होगा, सीएपीए का कुछ होगा, एनडीए का कुछ होगा, तो अगर आप आईएएस ठीक है और आईएएस में भी इस साल कुछ है अगले साल कुछ होगा, तो जो नहीं बदलता है पहले उसे मजबूत कर लो, और जो बदलता है उसके विषय में हम तैयारी डोर टू डोर और एकदम से बैलेंस अप्रोच के साथ, कि अगर करंट 30 आता है तो हम 30% ज्यादा समय करंट पे कभी नहीं देंगे। अगर आप एवरेज 8 घंटा पढ़ते हो तो 8 घंटा का 30% आप अंदाजा लगा लेना, अगर आप 6 घंटा पढ़ते हो तो 30% लगा लेना, और उसी प्रपोर्शन में आपको तैयारी करना है, नहीं तो आप अपने आप को स्वयं सुसाइड में तो जाहिर हो गया, ये नहीं करना है। और पांचवा और आखिरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है कि एग्जाम का जो पैटर्न है उस पैटर्न को सही से नहीं समझ करके समझना और तैयारी करते रहना करते रहना करते रहना लंबे समय तक, तो बस तैयारी ही नहीं करना है, एग्जाम को क्वालिफाई भी करना है, और क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम के ट्रेंड को समझना जरूरी है, चाहे वो प्री का समझो, मेन का समझो, इंटरव्यू का समझो, या तीनों का समझो, तो तीनों को समझना पड़ेगा। और ये दिमाग में मत रखिए कि प्री का टॉपिक मेन में पैटर्न और इंटरव्यू का पैटर्न, आपके तीनों का तैयारी वास्तव में आपके पहले दिन की तैयारी के साथ शुरू हो जाता है। तो बातें कुछ ज्यादा सीरियस हो गया हो और आप परेशान हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप जब जगते हो तभी सवेरा होता है, इसलिए बेहतर ये है कि जगिए, और विश यू ऑल द बेस्ट हो। और मैं अपने विषय में बात हूँ, मैं मुकेश कुमार सिंह मास्टर स्ट्रोक आईएएस एकेडमी पे एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन पढ़ाता हूँ, जीएस में साइंस टेक एनवायरमेंट इकोलॉजी जनरल साइंस का क्लास लेता हूँ, और आप मुखर्जी नगर में मास्टर स्ट्रोक आईएएस एकेडमी है दिल्ली में, कॉन्टेक्ट नंबर आप हमारे साइट पर जाकर के देख सकते हो, तो वो सब जानकारी है उसको आप ले सकते हो। तब तक के लिए सारे बच्चों को थैंक यू।